तो सबसे पहले ये आता है लोनावाला का वाटरफॉल, जो पुणे की साइड से अगर हम जाते हैं तो फिर लोनावाला तरफ सबसे पहले वाटरफॉल यही आता है। बट बेस्ट टाइम यही है कि हम सितंबर से पहले जाएं, और सितंबर से पहले जाने का रीज़न यही है कि तब जब मानसून सीजन होता है तो फिर ये वाटरफॉल देखने का मज़ा ही कुछ और आता है। ये टाइम पे हम तो अक्टूबर एंड में गए थे तो फिर दिखा नहीं कुछ पानी, बट फिर भी सीन सीनरी वाइज बहुत बढ़िया था। भाई भूशी डैम के लिए बहुत चलना है, नीचे पार्किंग से ऊपर तक चलना है, तो बस रेडी रहना चलने के लिए। तो दोस्तों फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है भूशी डैम। ये डैम में भी एक बहुत सारे लोग आते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी तो अगर भूसी डैम जाओ तो फिर यहाँ पर दो रास्ते पड़ते हैं, और दूसरे रास्ते पे जाओगे तो फिर ये जो भूसी डैम के ऊपर से जो यहाँ से पानी आ रहा है वो लेक है सामने, ये जैसे दिख रही है वो। तो ये एक काफ़ी अच्छा जगह है विजिट करने के लिए, काफ़ी लोग नहीं जा रहे थे यहाँ पर, लेकिन आपको जाना चाहिए, ये कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिल जाता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट है आम्बिवली से 8-10 किलोमीटर पहले, बहुत बढ़िया ये। पॉइंट का नज़ारा सबसे बढ़िया था, ये जैसा कि सामने देख रही है, ये जो दिख रहा है वो भूसी डैम वाला लेक है। तो हम वहाँ से गोल गोल घूम के आगे की तरफ आ चुके हैं, और वन ऑफ द बेस्ट साइट सीइंग प्लेसेस विल बी दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और काफ़ी लोग नहीं थे, और यहाँ पे ही हमने नाश्ता वगैरह किया। और ये जो प्लेटू फ्लैट लैंड दिख रहा है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग सीन है। और यहाँ पे रह के आपको जितने भी फोटो खिंचवाने हो खिंचवा सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं होगी तो फिर फोटो के बैकग्राउंड में भी बहुत ही बढ़िया फोटो आएंगे। और हालांकि इसके बाद जो पॉइंट आएगा टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है, तो फिर वहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा कम रहता है, प्लस वहाँ पे रेलिंग भी है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि नीचे ना गिर जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह है नहीं, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन सेफ्टी। तो ये है टाइगर्स पॉइंट और लायंस पॉइंट दोनों एक साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, बट फिर भी जगह बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस इफ यू कैन विजिट मेब्रो गार्डन प्लीज़ डू विजिट दिस, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच फ्राइज सैंडविचेस एंड पिज़्ज़ा ऑफ मेप्रो गार्डन विल बी अमेजिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था नारायणी धाम। ये थोड़ा सा अंदर है लोनावाला सिटी में, तो मैप्स में ढूंढ कर ज़रूर जाना, पीसफुल जगह है, पेरेंट्स को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर, थोड़ी टाइम अंदर बैठ के, एक टेम्पल जैसा है, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर।
तो भाई सबसे बेस्ट पॉइंट एटलीस्ट फॉर मी वॉज दिस पावना लेक पॉइंट, विच इज़ एक्चुअली पावना लेट लेक नाइट कैंपिंग। सो यहाँ पर जो वाइब सी इट कैन बी मैच्ड। ये देख सकते हैं कि आप ऐसा माहौल होगा और फिर रात एट द नाइट यू डू कैंप फायर एंड देन सिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, दैट्स जस्ट अ गुड वाइब।